हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज हम इस लेक्चर में करेंगे डिस्कस थ्योरम 6.7, जिसकी स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखी हुई है। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल इन राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन द ट्राइंगल्स फॉर्मड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दैट परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड ईच अदर ऑल्सो। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर एक एल्टीट्यूड डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो उस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ एक ट्राइंगल बन जाएगी और वो दोनों ट्राइंगल फुल जो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है उसके सिमिलर हैं और आपस में भी सिमिलर हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इस थ्योरम को हम बिना देरी के शुरू करते हैं। एक बार थ्योरम स्टेटमेंट को इरेज कर देते हैं और इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इस थ्योरम का जो फिगर है वो ड्रा कर लिया है। यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी, वी हैव कंसीडर दैट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। एबीसी एंगल 90 डिग्री है तो एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई और एसी इसका हाइपोटेन्यूज है और जो राइट एंगल है उसका वर्टेक्स बी, राइट वर्टेक्स से हमने एसी पर एक एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर बीडी। ओके, अब हमें साबित करना है कि इस बीडी परपेंडिकुलर के दोनों तरफ के जो ट्राइंगल है, एक तो एडीबी और दूसरी सीडीबी, ये दोनों ट्राइंगल्स पूरे ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर हैं और आपस में भी सिमिलर हैं। वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू एबीसी। एडीबी ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर है और दूसरी सीडीबी ट्राइंगल सीबीएबी, सीडीबी ट्राइंगल सीबीए के सिमिलर है। इनके नेम हमने कैसे लिखे हैं वो मैं प्रूफ में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम नेम्स को लिखते हैं, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम नेम्स लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। इसमें प्रूफ सेगमेंट में हम लिखेंगे, सबसे पहला रिजल्ट हमें प्रूफ करना है कि एडीबी और एबीसी ट्राइंगल का। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एबीसी। हमें मालूम है कि जब हमें दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी हो तो उनके एंगल्स जो है वो हम इक्वल शो कर दें, हमारा काम हो जाता है, वो सिमिलर हो जाती है। तो अब एडीबी ट्राइंगल और एबीसी, ध्यान से देखिए, एडीबी ट्राइंगल में एंगल ए है और एबीसी जो होल ट्राइंगल है, होल ट्राइंगल उसमें भी एंगल ए है, तो ये कॉमन एंगल हमारे पास आ गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन। उसके बाद दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, एडीबी ट्राइंगल में एडीबी एंगल और एबीसी में एबीसी। एंगल एडीबी इक्वल है एंगल एबीसी, ईच 90 डिग्री। अब दो ट्राइंगल में अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल होता है और एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर ट्राइंगल ए डी सी। अब हम बात करते हैं कि नेमिंग की, नेम कैसे लिखा हमने। ए डी बी लिख दिया, एंगल ए ए के इक्वल है, एंगल डी 90 का है और इसमें एंगल बी 90 का है और यहाँ पर एंगल बी ए डी बी तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल आएगा इस एंगल सी बी। ये वाला जो एंगल है ये एंगल हमारे पास इस एंगल के इक्वल आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है हमें प्रूव करना है सी डी बी ट्राइंगल। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल। सी डी बी के अकॉर्डिंग हमारे पास नाम क्या आएगा, सी डी बी ट्राइंगल और पूरी को एबीसी सी बी ए बी ए सी कोई भी नाम हम लिख सकते हैं, लेकिन सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। यानी कि सी डी बी लिखा है तो फुल ट्राइंगल में एंगल सी और इसमें सी, तो यहाँ पर भी हम ट्राइंगल सी। ठीक है, उसके बाद सी डी बी में 90 वाले का बात की बात आई हमारे पास, तो इस तो ट्राइंगल ट्राइंगल बी 90 है तो सी बी ए, ट्राइंगल सी बी ए और वही हमने वहां ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करते हैं। एंगल सी इक्वल है एंगल सी के, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में और एक एक 90 डिग्री का एंगल है। एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ईच 90 डिग्री। ओके, तो एंगल एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए हमारे पास। हम लिखेंगे बाय एंगल एंगल ट्राइंगल सी डी बी इज सिमिलर ट्राइंगल सी डी ए।
अब ये दोनों ट्राइंगल जो इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ बनी हुई है, ये फुल ट्राइंगल के सिमिलर हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमें करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर करेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल चाहिए। अब हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल। अब ए डी बी ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल, तो अब दूसरी जो सी डी बी है इसको इसके करस्पॉन्डिंग हम सी डी बी नहीं लिख सकते, हम इसको क्या लिखेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया तो ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है, और ये वाला जो एंगल इसको एक बार मार्कअप कर लेते हैं, ये इसके इक्वल आ रहा है। जब हमने इस ट्राइंगल को पूरी ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव किया तो एंगल सी तो कॉमन आ गया अपने पास, बी और बी एंगल 90 के आ गए। अब थर्ड एंगल कौन सा रह गया हमारे पास, सी डी बी में तो हमारे पास ये एंगल रह गया थर्ड, ठीक है, और जो फुल ट्राइंगल में हमारे पास ये रह गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। अब हम देखते हैं कि जो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो ट्राइंगल्स हैं उनमें कौन कौन से एंगल्स हमारे पास इक्वल है। अब एंगल ए, ए यहाँ पर है, ए के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल का एंगल बी है, तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे, ठीक है। डी जो है वो 90 डिग्री है, डी अपनी जगह पे रहेगा, और ए डी बी में भी और इसमें भी बी डी डी 90 का इक्वल आ गया। और दूसरा तीसरा एंगल बी, ए डी बी में एंगल बी ये वाला है और सी डी बी में एंगल नंबर पर सी के इक्वल होगा, ट्राइंगल बी डी सी। इस तरह से हम सिमिलर ट्राइंगल्स की नेमिंग करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की नेमिंग भी हम करस्पोंडिंग पार्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख दें। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे पास इक्वल हैं, कौन कौन से हैं, तो एंगल ए, ए डी बी का एंगल ए इक्वल है, सी डी बी में एंगल बी यानी एंगल सी डी डी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर तो ए की एंगल बन रहा है इसलिए ए लिख दिया हमने, इसको बी ए डी या डी ए डी नहीं लिखा, जरूरत नहीं थी क्योंकि तो एक ही वर्टेक्स है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, पूरा भी बन रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा सी बी डी, ओके, या डी बी सी, एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये एंगल ले लो या फिर 90 वाला ले लो, 90 वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल सी डी बी इज 90 डिग्री, और ये हमने अभी प्रूव किए हैं, प्रूव अर्लियर वहां से हमने उठाए हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स के पार्ट जो है इक्वल है। तो एंगल एंगल क्राइटेरियन से बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए डी बी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी के। तो इस थ्योरम में हमने प्रूव किया कि अगर हम किसी राइट ट्राइंगल में राइट एंगल से राइट वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर एल्टीट्यूड डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो उसके दोनों तरफ की ट्राइंगल्स होल ट्राइंगल के सिमिलर होती हैं और आपस में भी सिमिलर होती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो पुट योर कमेंट्स टू नो दैट हाउ मच आई हैव टू इम्प्रूव माई वीडियोज, ओके। इफ यू आर ए न्यू वॉचर दैन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।